माई चैनल। सो इन दिस वीडियो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्यारा न्यूड ब्राउन मेकअप लुक यूजिंग सुनीसा वाटर ब्यूटी एयर सीसी क्रीम। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये फुल लुक क्रिएट किया है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। बाल खोल के मेकअप करने में इतनी गर्मी लगती है, और वैसे भी गर्मियों के सीजन में तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ बाल खोल के मेकअप। तो यहाँ पे मैं हेयर बैंड लगा लेती हूँ, सो डैट मुझे गर्मी ना लगे और स्वेट ना आए, बिकॉज मैंने पंखा ऑफ कर रखा है। सो मेरा मेंस्ट्रुअल टाइम चल रहा है, सो इसलिए मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल लग रहा होगा आपको। नाउ बिफोर स्टार्टिंग मेकअप ऑलवेज डू फेस वॉश, हाँ अच्छे से फेस क्लीन करो। और ये नया है सो इसलिए यहाँ पे डिजास्टर हो गया एकदम से, सारा फेस वॉश नीचे गिर गया था। सो वैसे इसका 3 पंप ले लो आप एंड यू आर जस्ट गुड टू गो, बिकॉज ये जो फेस वॉश है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ये आपके फेस को हाइड्रेट मॉइस्चराइज कर देगा एंड आपकी जो स्किन भी होगी ना सुपर क्लीन फील, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है एंड ऑल्सो दिस इज अ क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट तो मेरा फेवरेट होता ही है। मैं यूज करूंगी एल्ब्स गुडनेस का अंबा हल्दी टोनर। टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है आफ्टर यू डू यू नो फेस वॉश, क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा जो स्किन का पीएच लेवल होता है वो बैलेंस हो जाता है। ऑल्सो जो सिबम होते हैं उसको ये रिड्यूस करने के लिए काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट एंड ऑल्सो हमारी स्किन को भी ये क्लियर कर देता है। ये मैं हाईली सजेस्ट करूँगी ऑयली स्किन के लिए, बट ये जो प्रोडक्ट है ये ऑल स्किन टाइप है, सो इफ़ यू आर ड्राई स्किन यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन गुड वाइब्स का रास्पबेरी एंड पेपरमिंट बैलेंसिंग क्रीम। दिस वन इज़ माई फेवरेट दोस्तों, बट ये प्रोडक्ट मैं सजेस्ट करूँगी ड्राई स्किन के लिए। ओह माय गॉड, पता नहीं मैं कितना टाइम लगाने वाली हूँ इसे खोलने के लिए। आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आएगी इसमें से एंड ऑल्सो आपकी स्किन को ये बैलेंस रखेगा। आप इसे डे एंड ऑल्सो आप इसे नाइट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इन सभी के लिंक्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज आप पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है, तो वो आपको मेरी वीडियो के नीचे मिलेंगे। और जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ सबके लिंक्स मैंने वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। ऑल्सो दोस्तों purple.com में चल रही है हॉट समर सेल 6 to 10 April, प्लस आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा ऑन कूपन कोड, सो जरूर जरूर चेकआउट करना। गुड वाइब्स में भी है बाय एनी 4 products एंड गेट फ्लैट 35% ऑफ एंड मोस्टली आज मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए हैं purple.com के ही, बिकॉज दे आर द मोस्ट अफोर्डेबल। सो यस, जरूर जरूर ट्राई करना बिकॉज दिस इज द डील ऑफ द डे एंड ग्रैब इट गाइज। नाउ फॉर द प्राइमिंग मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ स्टे क्वर्की का लस्ट एवरी साइड आई प्राइमर, और इसको मैं अप्लाई करूंगी ऑलमोस्ट लाइक पूरे फेस पे ही, बिकॉज आई वॉन्ट मेरा जो आज का मेकअप हो परफेक्ट HD एयरब्रश वाला फिनिश दे। सो नाउ फॉर द फाउंडेशन मैंने पिक किया है सुनीसा का वाटर ब्यूटी एयर CC क्रीम। आई लव्ड दिस फाउंडेशन और CC क्रीम, जो भी आप इसे कह सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है इसका, बहुत ही लाइट टेक्सचर है, जो आप इसे अप्लाई करोगे बहुत मज़ा आएगा आपको। और इसके साथ ये ब्यूटी ब्लेंडर भी मिलता है जो कि बहुत ही इजी टू अप्लाई है, और आप इसे वेट करके यूज़ करना। मैंने ड्राई करके भी इसको अप्लाई किया था बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सो इट्स बेटर कि आप इसको यू नो वेट कर लो और फिर फाउंडेशन को आप पिक करो एंड देन जस्ट डैम्प ऑन टू योर स्किन एंड बहुत ही अमेजिंग फिनिश देगा। आप देख सकते हैं ड्यूई फिनिशिंग देगा ये आपके फेस को। इसमें आइवरी शेड बना हुआ है फाउंडेशन का, बट ये जब आप इसे फेस पे अप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से वाइट थोड़ा सा लगेगा, बट दैट्स नॉट एन इशू, बिकॉज थोड़ी देर बाद ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है, तो वो आपका जो नेचुरल कलर होगा ना उसी में ये कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मुझे तो ऐसा ही लगा, लाइक इफ यू वॉन्ट टू कैरी बहुत ही लाइट वेट वाला मेकअप तो आप ये वाला CC क्रीम अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द डे मेकअप मैं आपको ये स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी। सो नाउ टू सेट द CC क्रीम मैं यूज कर रही हूँ स्टे क्वर्की का कॉम्पैक्ट पाउडर हनी आई लव यू 2 में। ये आइवरी शेड में है, इसको मैंने जस्ट अपने आई एरिया पे अप्लाई किया है और सेंटर ऑफ माई फोरहेड चीक बोन्स एरिया में एंड चिन पे। मैं इसे पूरे फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी बिकॉज ये जो फाउंडेशन और CC क्रीम है ये ड्यूवी लुक देता है, सो आई डोंट वॉन्ट टू कवर दैट। नाउ फॉर द कॉन्टोर मैं यूज कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर स्टिक जो है एस्प्रेसो एज में। आई लव दिस शेड, ये बहुत ही प्यारा चॉकलेट शेड है दोस्तों, बहुत अच्छे से ये मेरे फेस को एक्सेंचुएट कर देता है। इसमें हल्का सा ऑरेंज अंडर टोन है और मैं ये हाईली सजेस्ट करूँगी इफ़ यू वॉन्ट यू नो आपके फेस पे जो मज़ेदार वाला कट वाला इफेक्ट दे, अगर आप ब्राइडल को देना चाहते हैं तो डेफिनेटली
ये वाला स्टिक ट्राई करना, हाईली पिगमेंटेड है एंड द रिजल्ट इज। पाउडर की हेल्प से सेट करूंगी। अब ये आप तब करना जब आपको लगता है कि बहुत ज्यादा कॉन्टोर हो गया आपके फेस पे, जस्ट टू करेक्ट योर यू नो कॉन्टोर। सो नाउ फॉर द आई मेकअप दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का क्रिएटिव पैलेट, एंड ये मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया है और बहुत ही अमेजिंग शेड्स हैं इसमें। बहुत ज्यादा हाईली पिगमेंटेड तो नहीं है, बट यस मीडियम पिगमेंटेशन है इसकी। सो सबसे पहले शेड लिया मैंने एपिटोम करके, जो कि बहुत ही प्यारा कोरल न्यूड शेड है दोस्तों ये, बट बहुत ही लाइट है। सो इसको मैंने एज अ बेस पिक किया है फॉर माय आईलिड, और आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडशील्ड मोशन में मैं ब्लेंड कर रही हूँ, हल्का सा लीफी इफेक्ट दे रही हूँ मेरे आउटर वी पे। सो इसी तरह से आपको ब्लेंड करते रहना है। फिर इसके बाद मैंने एक और शेड पिक किया है विच इज फ्लॉलेस, और ये है प्रॉपर न्यूड शेड, न्यूड ब्राउन ही कहूंगी। सो इसको मैंने अप्लाई कर दिया उसी शेड के ऊपर। नाउ दिस आई मेकअप इज वे टू सिंपल, आप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक, बहुत ज्यादा बोल्ड आई मेकअप नहीं करना चाहते हैं फॉर द डे मेकअप, देन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। और इस तरह के यू नो न्यूट्रल न्यूड मेकअप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली फॉर द समर सीजन। बहुत यू नो एक नेचुरल इफेक्ट देता है चेहरे को, एंड I just love to carry such kind of makeup. I know बहुत सी लड़कियाँ हैं जो मुझे अभी देख रही होंगी जिन्हें nude makeup बहुत पसंद है, so yes this tutorial is for you guys, definitely try करना। So now for the mascara मैं use कर रही हूँ purple का my helping hand lash extender mascara। Now why I always apply this mascara, because this is the affordable mascara, ये try करना बहुत अच्छे से, ये lashes को volume देता है, upper lashes को भी and lower lashes को भी। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ पर्पल का विन बीनीथ माय काजल, जो कि व्हाइट में है, आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो आप व्हाइट काजल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एक बेज कलर का भी आता है उस तरह के काजल भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देगा। ये वाला मैंने इसे अप्लाई किया थोड़ा सा यू नो डॉल आईज इफेक्ट देने के लिए। नाउ फॉर माय ब्राउज मैं यूज कर रही हूँ मेरा ऑल टाइम फेवरेट आर्च अराइवल शुगर, नाम भूल गई एकदम से, लाइक आर्च अराइवल शुगर का आर्च अराइवल ब्राउ डिफाइनर, जो कि जेरी ब्राउन में है। नाउ माई हेयर इज हल्का सा रेड और यू नो पॉपरिश काइंड ऑफ हेयर हो चुके हैं मेरे, सो इसलिए आई थिंक फॉर यू नो मैचिंग माई हेयर ये वाला शेड परफेक्टली जाता है। सो बट अगर आपके ब्लैक हेयर भी है तब भी आप ये वाला यूज कर सकते, दिस इज जस्ट अ वाओ प्रोडक्ट। सो नाउ फॉर द ब्लश मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मिलानी रोज पाउडर, ट्रायो पैलेट है ये, और इसमें तीन शेड्स हैं, फ्लोरल फैंटेसी शेड है दोस्तों ये, और तीनों ही मैं अप्लाई कर रही हूँ। तीनों शेड को मिक्स करके अपने चीक्स पे, फोरहेड पे एंड चिन पे अप्लाई किया। ब्यूटिफुल सटल न्यूड ब्लश है ये, एंड हाईली रेकमेंड करूंगी। सो नाउ फॉर दी हाईलाइटर मैं यूज कर रही हूँ नायका का स्ट्रोब एंड ग्लो लिक्विड हाईलाइटर, और ये है ग्लेज्ड ब्रॉन्ज में, बहुत ही सटल ब्रॉन्जी शेड है एंड डे मेकअप के लिए परफेक्ट है ये। आप इसे पहले भी अप्लाई कर सकते हो बेस पे इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देने के लिए, या यू कैन ऑल्सो मिक्स इट विद योर लिक्विड फाउंडेशन, एंड बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है एंड इट्स टू पिगमेंटेड। देन मैंने अप्लाई किया है एंड बाई बेका ब्लिंकिंग आई शेडो, जो कि क्वीन सेवन में है। आई लव दिस आई शेडो, मैं इसे कभी नहीं भूल सकती हूँ, बिकॉज ये बहुत ही प्यारा यू नो शाइनी इफेक्ट देता है। सो इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे टियर डक पे एंड मेरे ब्राउ बोन पे। सो यहाँ पे मैंने लैशेस पॉप कर दिए हैं। वेल ये वाले जो शेडोज हैं ना दोस्तों एन वाई बेके ब्लिंकिंग आई शेडोज, आप इसमें डिफरेंट शेड्स भी ट्राई कर सकते हैं, आपको purple.com में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल मिलेंगे, बट ये वाला शेड मैं हाईलाइटिंग के लिए हाईली रेकमेंड करूंगी। अगर आप अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हैं हाईलाइटर जो कि ज़्यादा चंकी ना हो, ज़्यादा शिमरी ना हो, गो फॉर दिस वन। सो मैंने यहाँ पे एन वाई बे लिप पाउंटिंग लिप बाम यूज कर रही हूँ लिप्स को हल्का सा नरिशिंग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देने के लिए, जो कि बटर स्कॉच पाउंटिंग फ्लेवर में है।
ये अभी शुगर की नई लिपस्टिक आई है एक्स वंडर वुमन करके है, और ये मुझे पाउडर मैट लिपस्टिक लगी। दिस वन इज इन द शेड बैलोरीना बेल करके 06, और ये ब्राउन न्यूड शेड है। लाइक परफेक्टली गोज विद माय एंटायर लुक, जो कि मुझे चाहिए था कि मैं यू नो जिस तरह का मेकअप कर रही हूँ, न्यूड ब्राउन। सो येस, दिस इज द बेस्ट लिपस्टिक। मैट है, सो येस आपको हल्का सा ये पाउडी कह रही हूँ पाउडरी लगेगा, बट काफी लॉन्ग लास्टिंग है, क्रीमी फॉर्मूला है। तो टू सेट माई मेकअप मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कैनेडा का अल्टिम प्रो मेकअप फिक्सर। अच्छे से ये मेकअप को लॉक कर देता है, बिल्कुल भी ये स्टिकी नहीं है, नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, रिफ्रेश कर देता है फेस को एंड हाइड्रेट कर देता है। लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन ई नरिशिंग हेयर सीरम। ये भी नो पैराबेन नो एनिमल टेस्टिंग प्रोडक्ट है दोस्तों, एंड आई लव्ड इट, क्योंकि मेरे बालों को बहुत अच्छे से फ्रिज फ्री बनाता है, अच्छे से मेरे बालों को कंडीशन कर देता है एंड सॉफ्ट लुक देता है, थोड़ा सा ये यू नो हल्का सा शाइनी इफेक्ट भी दे देता है बालों को। सो मैं आपके बालों को अगर आप हेल्दी रखना चाहते हैं डेफिनेटली ट्राई करना ये प्रोडक्ट, काफी अफोर्डेबल रेंज में भी है ये सीरम। सो हियर इज द कंप्लीट फाइनल लुक दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का न्यूड ब्राउन, जरूर ट्राई करना आप भी फॉर द समर सीजन या किसी भी पार्टी के लिए। एंड यस, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप यू एंजॉय दिस ट्यूटोरियल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, हिट द नोटिफिकेशन बेल, और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।